नमस्ते, बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जो कटती है तो भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब महंगी होती है तो भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हां, हम बात करेंगे आज प्याज की, यानी प्याज की मार्केटिंग, बाजार की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज में। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की में। नमस्कार। जैसे सर मैंने कहा कि हम आज प्याज की बात करेंगे, उसकी मार्केट की बात करेंगे, तो सबसे पहले मुझे बताइए जो नेफेड है उसका क्या रोल है जो प्याज है उसमें, क्योंकि जब भी प्याज की बात आती है तो नेफेड का नाम ज़रूर आता है, तो सबसे पहला यही सवाल है। अब नेफेड का जो है सबसे बड़ा रोल ये है कि जो प्याज जब पैदा होती है और जब वो बाज़ार में आती है तो उसकी कितनी मात्रा लगभग औसत लिया जाता है, कितनी बुआई हुई, किस तरह का उत्पादन रहेगा, कितनी देश में खपत है। खासतौर से नेफेड का जो रोल है निर्यात करने में है प्याज का, सबसे ज़्यादा रोल जो है प्याज के निर्यात में है नेफेड का रोल। लेकिन कभी कभी जब देश में आपने कहा आंसू आते हैं, रुला देती है, जब कमी पड़ती है तो सरकार नेफेड से फिर प्याज आयात भी करवाती है। नेफेड का रोल प्याज में ये है। प्याज के बाजार को एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आप इसे मान लीजिए, नेफेड का रोल जो है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, ये इन उद्देश्यों को लेकर नेफेड बनाया गया। मैं नेफेड में 6 साल तक डायरेक्टर रहा हूँ और प्याज के बारे में तमाम चीज़ें और प्याज का उत्पादन और प्याज के बीज की उपलब्धता, ये सब काम जो है नेफेड की जिम्मेदारी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप 6 साल तक नेफेड में रहे हैं, तो कोई और आपसे अच्छा नहीं हो सकता जो प्याज के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दे। तो सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है ये किसानों के लिए है, हम हमेशा जो भी इसमें बात करते हैं वो हमेशा फ़ायदे से जुड़ी होती है किसानों से, तो ये बताइए जो किसान हैं कैसे मार्केट तक सीधे पहुँच सकते हैं, किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बिचौलियों से कैसे बच सकते हैं? आज तक तो किसान बिचौलियों से बच नहीं सका है, हकीकत है। देखिए, ये मौसम की फसल है, रवि और खरीफ दोनों तरीके की फसल देश में पैदा होती है। देश की सबसे बड़ी मंडी प्याज की लासल गांव है जो नासिक जिले में पड़ती है। वहां प्याज, जैसे वहां किसान प्याज लाता है ऐसे ही प्याज मध्य प्रदेश की मंडी में लाता है, ऐसे आंध्र प्रदेश की मंडी में लाता है, ऐसे सब जगह लाता है। प्याज कोल्ड स्टोर में नहीं रखी जा सकती, प्याज हवादार तरीके से और जाली के उसमें प्याज का स्टोरेज करने का एक तरीका है। लेकिन जब दाम की बात आती है तो किसान की जब फसल आती है, तो मैं इस बार की बात कर लेता हूं आपके साथ कि किसान को 3 रुपये और 4 रुपये किलो में प्याज के दाम मिले, 300-400 रुपये कुंटल से ज़्यादा किसानों को लासल गांव में कोई पेमेंट नहीं मिला। अब वो प्याज बिक गई और बिक कर वो स्टोरेज के लिए व्यापारियों के पास चली गई। अब व्यापारियों के हाथ में प्याज आ गई और उसका मालिक व्यापारी हो गया। वो व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं प्याज के, वो दाम तय करते हैं। प्याज की खरीद भी ये अब बहुत बड़े बड़े लोग करने लगे हैं, पहले तो छोटे व्यापारी करते थे, अब ये बड़े बड़े व्यापारी आ गए हैं। तो इन्होंने सबने अपने अपने स्टोरेज बनाए। किसान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने यहाँ उसका स्टॉक कर सके, या तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे कि प्याज किसान अपने स्टोर में रखे और उस पर लोन बैंक उसको कैश एडवांस कर दे। प्याज हो या कुछ भी हो, उसको एडवांस नहीं मिलता। जबकि अगर हम सेंट्रल वेयरहाउस एक्ट की बात करें 1957 की, तो वो इसलिए बनाया गया था कि वो स्टॉक करेगा, स्टोर करेगा, उसके अगेंस्ट स्लिप मिलेगी, पेमेंट ले सकता है, कहीं से उठा सकता है। तो यदि किसान अपने स्टॉक करने की कैपेसिटी में होगा, जिस दिन उसकी ये क्षमता होगी किसान की, उस दिन वो प्याज के बाजार में मुनाफा, उसको भी कुछ हिस्सा मिल सकता है। किसान को सरकार इस लायक बना ले कि आप इसे स्टॉक कर सके और धीरे 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 खपत के अनुसार बाजार में किसान जब लाना सीख जाएगा तो उसको भी 2 पैसे मिल जाएंगे और उपभोक्ता का शोषण भी बच जाएगा और किसान को 2 पैसे मिल जाएंगे। और जो नौजवान
बच्चे गांव में घूम रहे हैं। अब तो हमारी लड़कियां जो है वो मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हैं, नौकरी उनको नहीं मिल रही है। तो उनको इस तरीके से हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनके हाथ में देना चाहिए। और उसमें हम तय कर दें सरकार कि किसान को इतना देंगे, आपका मुनाफा इतना होगा, जैसे अमूल का मॉडल है। आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा काट के, अपने खर्चे काट के आप इतने आप 20% मुनाफा लेंगे। 20% में 5% ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा, 15% आपको होगा, और 15% आप उसमें दो लोग होंगे। हम तो दो लोगों की बात करें, यूरोप में तो एक ही आता है गाड़ी लेके, वही ड्राइवर है, वही खरीद के लाने वाला है, पैदा करने वाला भी वही है। खरीदने के तो छोड़िए, पैदा कर रहा है, सबके ग्रुप के इकट्ठे करके ला रहा है, गाड़ी चला के ला रहा है कूलिंग वेन, और वहाँ खड़ा करके बेच के जा रहा है, और शाम को अपना हिसाब कर देते हैं, सब कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं, भैया इतने का ये बिक्री हुआ, और सारा सब स्लिप है पेमेंट की, और अपना हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रास्ता अपनाना होगा, नई दिशा देनी होगी नौजवान पीढ़ी। यहाँ बात आती है जागरूकता की, तो जो हमारा देश का किसान है वो कब जागरूक होगा? इतनी सारी जो है सुविधाएं किसान को दी जाती हैं, कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि उसे उससे कुछ मदद मिले, वो समझे मार्केट को और किस तरह से उसे मार्केट में पहुंचना है, ये सारी नीतियां वो अपनाए, कैसे करे, तो कब होगा जागरूक जो है किसान, उसको क्या चाहिए इस वक्त, किस तरह की मदद चाहिए? शिक्षा आपने जो स्कूल गाँव में दिए हैं, क्या उसमें बैठने के लिए बच्चे को कोई सुविधा है? क्या पढ़ाने के लिए टीचर जाता है समय पर? बीएसए के साथ मिलके उसकी सेटिंग है, वो हफ्ते में दो दिन जाएगा, शक्ल दिखाएगा, बच्चों को नीचे बिठाएगा, पेड़ के नीचे बिठा के। तो जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा के बिना मनुष्य का ज्ञान अधूरा है, उसको अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, और अधिकारों के ज्ञान के लिए शिक्षा की जो आवश्यकता है, पहले शिक्षित बनाइए, और जब आप शिक्षित बना देंगे समाज को, गरीब किसान को, गरीब मजदूर को, तो अपने अधिकारों को समझेगा, वो नए तरीके अपनाएगा। और प्याज की फिर मैं आ जाता हूँ, प्याज की स्थिति ये है कि प्याज के बाजार को बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। एक सबसे पहले तो एपीएमसी एक्ट में दो चीज़ें तय करनी पड़ेंगी कि खुदरा व्यापारी और थोक व्यापारी इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे और इससे ज़्यादा उनका मुनाफा नहीं होगा। जब तक ये चीज़ तय नहीं होगी तब तक किसान को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। किसान और उपभोक्ता दो लोग पिसते हैं, उनका शोषण होता है। हाँ, बीज की बात जरूर मैं कहना चाहूँगा। कृष्णवीर जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद हम बीज की बात जरूर करेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद। दोस्तों अभी आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए बातें खेती की। नौजवान को जो शिक्षित है उसको यही समझाना है कि आप प्याज का स्टॉक करिए, बाजार की खपत के अनुसार आप इसको बाजार में लाइए, तो आपको ठीक पैसा मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम बात कर रहे हैं प्याज की मार्केट यानी बाजार की। डॉक्टर कृष्णवीर जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताया, आप हमें उसके बीज के बारे में बता रहे थे कि प्याज है तो इसके बीज कहाँ से मिल सकते हैं, जो किसानों के लिए उन्नत बीज हों, जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? नेफेड ने अपना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है, और वो उद्देश्य यही है नेफेड का कि उसमें बीज जो है, प्याज का बीज जो है, अलग अलग प्रजातियां जो है प्याज की, जो वैरायटीज हैं, उनको डेवलप किया है और वो किसानों को मुहैया कराया है। क्योंकि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता का बीज चाहिए हमको, उसकी नर्सरी चाहिए जी, और उसके साथ साथ सिंचाई और उर्वरक चाहिए। प्याज की मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसान है वो अभी मार्केट नहीं जाना चाहता है, कुछ दिन रुक कर जाना चाहता है, तो उसे स्टोर करना चाहता है प्याज को, तो वो उसका जो तरीका है किस तरह से वो स्टोरेज करे प्याज का, क्योंकि कई बार होता है जो स्टोरेज करते हैं तो चूहों से नुकसान पहुँचता है, कई ऐसे कीट हैं जो नुकसान पहुँचा देते हैं, तो इन सब से कैसे बचा जाए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी कम यूज़ हों, हमारी फसल भी बच जाए और जो है अच्छा स्टोरेज भी हो जाए। स्टोरेज जो है खेत में किया जा सकता है, एक जगह बनाई जा सकती है, परमानेंट एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है जो सिर्फ प्याज के लिए ही होगा, और वो किसान तब कर सकता है जब उसे फसल के लिए एडवांस बैंक भुगतान कर दे। वो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी टूटी हुई है कि वो खाद भी उधार लेता है, दवाई भी उधार लेता है, बिजली का बिल भी उस पर चढ़ता है,
और जब उसे बच्ची की शादी की चिंता चढ़ती है और जब बिजली का बिल की ट्यूबवेल का बिल देने की और भुगतान करने की चिंता चढ़ती है तो प्याज ना बेचे तो क्या बेचे, जब प्याज ही पैदा करेगा तो प्याज ही बेचेगा। तरन्नुम, वो तो नौजवान को जो शिक्षित है उसको यही समझाना है कि आप प्याज का स्टॉक करिए, बाजार की खपत के अनुसार आप इसको बाजार में लाइए तो आपको ठीक पैसा मिलेगा। एक सवाल है इससे ही जुड़ा हुआ, कई बार हम कह देते हैं कि जो किसान हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या मैसेज हैं या बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर जाके किसान मदद ले सकता है, उनसे बात कर सकता है, जो भी उनकी जो भी उन्हें मदद चाहिए, जिस बारे में भी जानकारी चाहिए वो वहां जाए, पता करे और उसके बारे में जानकारी हासिल करे। हम कह देते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कई बार जो किसान हैं उन तक ये सुविधाएँ पहुँच ही नहीं रही हैं। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी सरकार ने और उद्देश्य बहुत साफ था कि वहाँ क्या पैदा करना है, कैसे उत्पादकता बढ़नी है और कैसे मार्केटिंग होना और कैसे प्रोसेसिंग होना है, उस सब में किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इस देश में जितने कृषि विज्ञान केंद्र आज तक खोले हैं, मुझे कहने में शर्म और दुख हो रहा है आज कि वो डिफंक्ट है पूरी तरीके से। चंद कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, बाकी सब रोजगार देने के संसाधन बना लिए यूनिवर्सिटीज ने और साइंटिस्टों ने, जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको नहीं पूरी करते ये लोग। तो आप कह रही हैं कि किसान जो है कंप्यूटर पे आ जाएगा और किसान मोबाइल पे आ जाएगा, चंद नौजवान पीढ़ी जो पढ़ ली है वो आ गई है, वो खेती नहीं करना चाहती है जो मोबाइल जिसने हाथ में पकड़ लिया है, ये अंतर आ गया है। क्योंकि खेती मुनाफे का सौदा जब तक हम नहीं बनाएंगे और वो उससे ये कहेंगे कि तुम सिर्फ इसके बाजार में आओ तो बाजार में आ जाएगा, तब वो पैदा करवाएगा। जब उसे बाजार में मुनाफा दिखेगा तब वो पैदा करवाएगा कि अरे ये तो इसमें मुनाफा है तो मैं पैदा भी मैं करवाऊंगा तो और ज्यादा होगा। तो जब तक खेती घाटे का सौदा रहेगी, नई पीढ़ी उससे नफरत करेगी। खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं कि प्यार नहीं करते, मजबूरी है। इट्स ए वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स नॉट ए बिजनेस। डॉक्टर कृष्ण बीर जी, आप हमें बहुत अहम बातें बता रहे हैं जो किसान के बहुत फायदे की हो सकती हैं अगर वो उस पर ध्यान दे तो। कृष्ण बीर जी, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे प्याज से जुड़ी पॉलिसीज पर और सरकार की क्या सब्सिडी देता है उस पर, उन सब पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद। फिलहाल रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नीम हमारा, पेटेंट उनका, तो ये तो बड़ा फ्रॉड है इंटरनेशनल। मैंने तो गेहूं के पेटेंट का मामला 2004 में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस म्यूनिख में अपीयर होकर लड़ा था कि गेहूं हमारा है, रोटी हमारी है, है? हमारी बहु बेटियां बनाती हैं रोटी, और पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने ले लिया। हमने कहा इन्होंने, इनके बाप ने कभी रोटी नहीं देखी खाई के, और बनाना तो इनको आता ही नहीं है और ये पेटेंट करा रहे, तो बहुत बड़ा धोखा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं प्याज की मार्केट यानी बाजार की। अब सर जो बात आती है प्याज को लेकर के, वो सबसे बड़ी बात आती है कि जो सरकार की नीतियां हैं प्याज को लेकर वो क्या हैं, जो सब्सिडी सरकार देती है प्याज पर कितने परसेंट देती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान दोस्तों को बताइए। देखिए, सब्सिडी सभी किसानों को नहीं दी जाती, ऐसी कोई नीति नहीं है कि प्याज पर कोई सब्सिडी दे। स्टोरेज में कोल्ड स्टोर पर सब्सिडी है और कोल्ड स्टोरेज का प्याज में कोई इम्पोर्टेंस किसान के लिए नहीं है, वो बाकी सब्जी फलों के लिए है। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, जो किसान बैंक से लोन लेता है उसका तो इंश्योरेंस जरूरी है, वो कराता है। हमारा ये कहना है कि जब फसल खराब हो जाती है तो सरकार को उसमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इंश्योरेंस स्कीम पर काम चल रहा है और पहले भी बात आई थी लेकिन नहीं हो पाया, अभी ये चल रहा है कि हर फसल का क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि वो नुकसान होती है फसल तो किसान को उसका इंश्योरेंस जो किया गया उसे मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों को अपना मदद के लिए इंश्योरेंस में रहना चाहिए। पिछले जो इंश्योरेंस की कुछ अनुभव रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे। कंपनीज का ये कहना है कि जितनी किस्त आई थी उससे ज़्यादा के नुकसान हो गए, अब ये तो सवाल नहीं हुआ ना। सवाल तो ये है कि आप तो उस तरीके से तय करें, और उसमें भी इंश्योरेंस में आपको बता दूं ये कि जब पूरा गांव की फसल खराब होगी तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ये नहीं कि आपके खेत में ओला पड़ गया, मान लीजिए आधे गांव में ओला पड़ गया और वो फसल बर्बाद होगी तो नहीं मिलेगा आपको। ये भी तो तौर तरीके हैं नहीं, आपको हर किसान का इंडिविजुअल खेत का इंडिविजुअल इंश्योरेंस करना होगा।
जैसे सर हम बीमा की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम किसान हैं जो अपनी फसल का बीमा करवाते हैं, चाहे वो बैंक से लोन ले रहे हों और चाहे उनकी फसल जो तैयार होती है उस पर भी वो बहुत कम बीमा करवाते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए बीमा और हर चीज़ के लिए ज़रूरी है बीमा। तो ये जो जानकारी है बीमे की, ये आप बताइए कि कितने किसानों को इसके बारे में जानकारी है? किसान ये मानता है कि जो किस्त उससे ली गई है, अब तक का अनुभव ये है अलग अलग प्रदेशों का, कि उसने तो किस्त दे दी, आपदा आई, बाढ़ की आपदा है, ओले की आपदा है, कोहरे की भी आपदा है, फसल को नुकसान होता है, उससे भी बर्बाद होता है, लेकिन ओला और बाढ़ तो पूरा बर्बाद कर, तो किसानों को उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनियों ने नहीं की, तो वो विश्वास जो है, गरीब है किसान, उसका विश्वास जल्दी डगमगा जाता है कि ये तो कंपनियां सिर्फ लेने लेने के लिए, देने के लिए नहीं है। आपको भी पता है कि पांच रुपए के चेक सहायता राशि के दी जाते हैं आपदा के, तो ये क्या है? 50 रुपए के चेक और 20 रुपए के चेक और 5 रुपए के चेक मैंने देखे हैं। खाता खोलेगा पहले, बस में बैठ के जाएगा बैंक में, कस्बे में किराया लगाएगा, तब वो 20 रुपए का चेक उसमें जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे सहायता मिलती है सरकार में, सरकार में सहायता जो बड़े लोग हैं, बड़े पेट वाले हैं, बड़े कारपोरेट हैं, वो खाते हैं, गरीब का हक भी वही डकार जाते हैं। यही इसीलिए सरकार बार बार करेगी, हर आदमी का UID होना चाहिए, हर आदमी का बैंक खाता खुल जाए। मैं तो जनधन योजना का स्वागत करता हूं कि सबके खाते खुल गए तो कम से कम उनको उनका हक तो उनके बैंक में चला जाएगा। सरकार से मेरा एक निवेदन है कि किसानों को स्टोर करने के लिए मदद दे, प्याज का वो अपना स्टॉक कर सके, और जो चूहों की बात और आपने बचाई है उसके लिए कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी, जो वो विभिन्न किस्म की वाइब्रेट आवाज निकालते हैं, कुछ खास किस्म की स्मेल होती है, उससे चूहे भाग जाते हैं। कृष्ण वीर जी, एक और किसानों की जो बड़ी समस्या है वो यही है कि फर्टिलाइजर्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से जो हमारा दूसरे देशों में जाता है प्याज या कोई और भी चीज़ जाती है, अन्य दूसरी चीज़ें, तो दूसरी कंट्रीज़ जो है वो हमारे देश से लेने से कई बार मना कर रही है और कई बार ऐसा हो भी चुका है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे, आप किसानों को नहीं कहना चाहेंगे कि वो जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, जैविक खेती करें और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें? जो रासायनिक कृषि का मॉडल है उससे भूजल स्तर जो था, भूजल भी खराब हो गया है, जहरीलापन आ गया, पीने के लायक पानी नहीं बचा है, और जो पेस्टिसाइड है उसका भी प्रयोग जो है कम से कम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है जिसे IPM बोलते हैं, तो उस सिस्टम को अपनाना होगा, उससे फसल को बचाना चाहिए। ये जहर ज़्यादा स्प्रे करना ठीक नहीं है, ये पर्यावरण को भी दूषित करता है। ऐसा नहीं है कि आपने खेत में फैला दिया, स्प्रे कर दिया और वो जो है आपकी सब्जी फलों पे आए, नहीं, वो उड़ेगा, ऑपरेट कर उड़ जब वाष्प में बदलेगा तो पर्यावरण में जाता है, पर्यावरण में जाता है तो जहर फैलता है और वो सांस से अंदर जाता है, आम आदमी के, बच्चों के, बुजुर्गों के, जवान के, सभी को मारता है। तो मेरा तो सुझाव यही है कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हमको बनना पड़ेगा, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है, और जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक कृषि से देश की जनता का पेट नहीं भर सकते, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इस देश को धोखा दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है उनको कि वो मेरे सामने खड़े होकर बात करें, वो झूठ कब तक बोलेंगे? वो कारपोरेट के माल को बिकवाने के लिए उनके पेरोल पे दलाली करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बिहार के नालंदा में दुनिया का आलू पैदा करने का इतिहास थोड़ा है, क्यों? प्राकृतिक खेती से धान पैदा किया, हिंदुस्तान का इतिहास थोड़ा प्राकृतिक खेती से। तो सॉयल हेल्थ कार्ड की बात इसीलिए आवश्यक है कि बिना वजह यूरिया खेत में ना डाला जाए, बिना वजह DAP ना डाला जाए, जिस चीज की जरूरत है उसी तरीके से संतुलित मात्रा में प्रयोग हो, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, और वो भी प्राकृतिक उर्वरकों का जी। ग्रीन उर्वरक ढेंचा है, सनी है, इसको बो के और नीम को उसमें मिला के बुआई करो और फिर उसी में जुताई कर दो, तो उस फसल में भी काम आएगा, अगली बार भी काम आएगा। नीम का मैंने इसलिए कहा कि मध्य प्रदेश में खंडवा में करीब 400 गांव में हमने कराया था और उसका परिणाम इतना अच्छा हुआ कि पेस्टिसाइड की खपत खत्म हो गई, क्योंकि जब वो जमीन में जाता है नीम जुताई होने के बाद और पानी में जाता है तो जो पौधे की रूट है उसी से ऊपर आता है और पत्तियों में आता है, और नीम का तो फायदा मानव स्वास्थ्य के लिए भी है,
मानव के स्वास्थ्य के लिए। पेस्टिसाइड से तो छुटकारा मिलेगा, जहर से मुक्ति मिलेगी, ऊपर से मानव के ब्लड प्योरीफायर है सबसे बढ़िया नीम जो है। तो धीरे धीरे धीरे, जहर नहीं है नीम, लोगों ने तो पेटेंट करा लिया विकसित देशों ने, तो हम तो अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, नीम हमारा पेटेंट उनका। तो ये तो बड़ा फ्रॉड है इंटरनेशनल। मैंने तो गेहूं के पेटेंट का मामला 2004 में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस म्यूनिख में अपीयर होकर लड़ा था कि गेहूं हमारा है, रोटी हमारी है, है? हमारी बहु बेटियां बनाती हैं रोटी, और पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने ले लिया। हमने कहा इन्होंने, इनके बाप ने कभी रोटी नहीं देखी खाई के, और बनाना तो इनको आता ही नहीं है, और ये पेटेंट करा रहे, तो बहुत बड़ा धोखा है। तो ये कंपनियां जो हैं, ये लोगों को फंडिंग करती हैं, साइंटिस्टों को फंडिंग करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट का प्रचार करिए, और ये उल्टी सीधी रिपोर्टें भी तैयार होती हैं, फर्जी डाटा आते हैं, आंकड़ेबाजी पूरा धोखा होता। तो प्राकृतिक खेती पे जब तक नहीं आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि कृषि उत्पादों का निर्यात मेरे किसान भाइयों को करना है तो उनको प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा। और प्रधानमंत्री जी ने अभी हिमालय को पूरा प्राकृतिक एग्रीकल्चर कृषि के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने अभी कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 1,00,000 गांव में प्राकृतिक खेती करवाने की शुरुआत केंद्र सरकार करने जा रही है। तो बढ़िया शुरुआत तो होने जा ही रही है, और उसकी वजह यही है। आप पंजाब में देखिए, अंधाधुंध यूरिया। तो ये जो सब्सिडी थी ना, सब्सिडी यूरिया पे, तो 40% सब्सिडी जो है किसानों को जा रही, 60% तो कंपनियों को जा रही। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो उर्वरकों के नाम पर उतना उत्पादन नहीं करती जितनी वो सब्सिडी खा रही है। उर्वरक सब्सिडी का तो बहुत बड़ा फ्रॉड है इस देश में, या तो फ्रॉड ही सब्सिडी का है। तो अगर ये सब्सिडी कारपोरेट को देनी बंद हो जाए तो सरकार की भी जान बचेगी और इस देश के टैक्स पेयर की भी जान बचेगी, और किसान को दो पैसे मिल जाएंगे, सीधे सीधे मिल जाएंगे, ईमानदारी में मिल जाएंगे, और बड़ा खुश होकर और पैदावार करेगा। और एक नई बीमारी आ रही है अभी, तो आप इस पर कर रही हो, अब GM फसलों का जो ड्रामा हो रहा है, पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरे यूरोप में विरोध हो रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी जो एक एक्ट था कि स्टेट्स जो है नहीं कर सकते, वो अब उन्होंने पास कर दिया कि कोई भी देश जो है अपना कानून बना सकता है कि हम अपने देश में जो है, मान लीजिए फ्रांस कह रहा है कि नहीं, नीदरलैंड कह रहा नहीं, स्विट्जरलैंड कह रहा नहीं, जर्मनी कह रही है नहीं, हम नहीं GM परमिट करेंगे। लेकिन एक ऐसा कानून था उनके यहाँ कि कंपनियाँ उसका सहारा लेती थी। तो अभी यूरोपियन पार्लियामेंट ने उस कानून को बदला है और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को, वो सारे स्टेट्स को राइट है। लेकिन GM फसलों का अमेरिका में विरोध हो रहा, उनको पता ही नहीं था अमेरिकन्स को कि उनको क्या खिलाया जा रहा है, लेबलिंग नहीं करने को तैयार। लेबलिंग ना हो इस बात पर $1 बिलियन जो है ये कंपनियां बर्बाद कर रही हैं। तो आखिर खतरा है। डॉक्टर कृष्णवीर जी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास सवाल कम पड़ रहे हैं, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अहम जानकारी देने के लिए, जो किसान है अगर वो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्होंने, उन्हें जो भी जानकारी आपसे मिली वो बहुत अहम है, उसका ये फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। जो बाज़ार के बारे में आपने बताया, अगर वो समझ जाएं जो आपने बातें बताई हैं, तो बहुत हद तक वो कामयाब रहेंगे, अच्छा मुनाफा, अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो TV स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल ID है bkk@greentvindia.com, या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01204980000 या फिर 4980011 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ग्रीन TV। नमस्ते।